नमस्कार प्रणाम। हम चांदनी रउआ सभी के स्वागत करे थनी अपना प्रोग्राम जरा हटके में। और हम रउआ सभी के ए प्रोग्राम में मिलवावे नी एगो कोनो ऐसन शख्सियत लोग से, कोनो ऐसन कहानी को ली से, कोनो ऐसन लम्हा को ली से जो उनकी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल बा और बा बहुते खास। और ये दर्शक लोग ई बहुते जाने खातिर बहुते उत्सुक रहेले कि ऐसन कौन खास बात बा जौन हम रउआ सभी के अपना रिपोर्ट में बताई। और अब चलिए शुरुआत करे थनी ज़्यादा देर ना करे के, तो अब शुरुआत सबसे पहले करते नहीं कि आज हम रउआ सभी के का बताएं। सबसे पहले जो बता दी रउआ सभी कि हम आज दूगो ऐसन एक्ट्रेस के बारे में बतावे जा रहे बानी भोजपुरी के जौन की काफ़ी ज़्यादा फेमस बाड़ी लोग और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर जाली लोग। तो साथ साथ यो बता देते नहीं के है लोग ये दोनों। सबसे पहले बाड़ी अंजना सिंह। जी हाँ, भोजपुरी के हॉट केक कहे जाए वाली अंजना सिंह जौन की भोजपुरी में काफ़ी धमाल मचा चुकल बाड़ी और साथे साथ काफ़ी फेमस एक्टर भी बाड़ी। दूसर है शुभी शर्मा। जी हाँ, भोजपुरी के ड्रीम गर्ल कहल जाली शुभी शर्मा। सबसे पहले अंजना सिंह जी के बारे में अगर बात कर जाओ तो अंजना सिंह जी अपना करियर के शुरुआत महुआ के एगो सीरियल से कैली और उस सीरियल के नाम रहल हा भाग ना बचे कोई। और वहीजे से वो अपन एक्टिंग के करियर शुरू कैली और उनका के काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलल ओ फिल्म में, वो सीरियल में। ओकरा बाद से वो धीरे धीरे अपना फिल्मी करियर की तरफ बढ़े लगली और साथे साथ उनकर जन पहला फिल्म रहे वो रहे एक और फौलाद। जी हाँ, एक और फौलाद मूवी में वो रवि किशन के संगे लीड रोल में नजर आईली। ओकरा बाद से उनकर करियर ऐसन तेजी पकड़लस कि वो आगे बढ़ते गईली और साथ के साथ ऐसन एक्ट्रेस पहला एक्ट्रेस बन गईली भोजपुरी के जौन 2 साल में बैक टू बैक 25 फिल्म को ली कैली। और साथे साथ एगो इंटरव्यू के दौरान जब उनका से पूछल गेल कि रउआ के हॉट केक कहाँ कहल जाला और के अगर रउआ के केहू हॉट केक कही तो कैसन लागी रउआ के, तो वो बतैली कि हमार एगो प्रोड्यूसर रहले उदय भगत एगो फिल्म के, तो वह हमरा के हर मतलब हमरा से जुड़ल कोनो अगर न्यूज़ होके चाहे कोनो खबर होके तो हर जगह हमार नाम अंजना सिंह तो लिखते रहले लेकिन ब्रैकेट में हॉट केक भी लिख देते रहले हा। तो उहे वहीजे से हमार नाम हॉट केक पड़ल और तब से हमरा के लोग भी हॉट केक कहे लागल। तो जब उनका से पूछल गया कि रउआ के अपन हॉट केक नाम कैसन लागेला तो कहली कि भाई हॉट केक नाम चाहे जैसन भी हो लेकिन एकरा से हमरा पहचान मिलल बा तो हमरा के ये नाम बहुते अच्छा लागेला। और उदय भगत जी के हम सबसे बड़ा धन्यवाद करब कि वो हमरा के इतना फेमस कैले हॉट केक के नाम से। जब उनका से अगला सवाल पूछल गई कि रउआ के अगर शादी करे के मौका मिली और अगर कहल जाओ कि केकरा से शादी करब तो रउआ बताएं कि केकरा से शादी करब, तो बतैली कि अगर हमरा के मौका मिली तो हम बिग बी यानी अमिताभ बच्चन जी से शादी कर लेब कहे कि वो बॉलीवुड के शहंशाह हवे। और साथे साथ वो कहली हंस के कहली कि भाई जया बच्चन जी हमरा के माफ़ करब लेकिन हम का करी अमिताभ बच्चन जी से हमरा के बहुते प्यार बा लेकिन हम उनका बहुते रिस्पेक्ट करे नी बहुते उनका आदर करे नी। तो ये बात रहला अंजना सिंह जी के जो अंजना सिंह काफ़ी ज़्यादा फेमस बाड़ी और काफ़ी ज़्यादा आजकल उनका जन आवे वाली फिल्म भी आ वो सबसे पहला भी आ सनकी दरोगा जेकरा में रवि किशन जी के संग नजर रही हैं और साथे साथ एगो और ही वह मुन्ना मवाली जेकरा में वो प्रमोद प्रेमी जी के साथ लीड रोल में नजर रही हैं। तो काफ़ी अच्छा आवे वाली फिल्म बाड़ी सन उनकर और ये रउआ सभी उनकर फिल्म के ट्रेलर और उनकर टीजर जरूर देखा। और इस साथे साथ हम अगला पर्सनैलिटी की तरफ अगर बढ़त आनी तो वो है शुभी शर्मा जी। जी हाँ, भोजपुरी के ड्रीम गर्ल कहल जाली शुभी शर्मा जी। तो शुभी शर्मा जी के बारे में बता दी भोजपुरिया से नहीं की ना ही यूपी से बाड़ी ना ही बिहार से बाड़ी लेकिन इनकर भोजपुरिया एक्टिंग देख के केहू ना कह सकेला कि यूपी बिहार के नहीं की। और साथे साथ रउआ सभी की यो बता दी कि शुभी शर्मा जी जयपुर के रहे वाली है और जयपुर के रहे के साथ साथ वो जयपुर में ही कई वो एल्बम को ली कई ली ओकरा बाद भी उनका कोनो सफलता तो नहीं है मिलल लेकिन वो बॉलीवुड में भी काफ़ी ट्राई कैली। बॉलीवुड में वो एगो फिल्म रहे हनी मनी है तो हनी है ओकरा में वो बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आईली हा। और साथे साथ यो बता दी कि बॉलीवुड में अभी कुछ दिन पहले ही जॉन इब्राहिम के संगे डांस करत नजर आईली हा। और वो भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा फिल्म को लिख चुकल बाड़ी लगभग 40 मूवी कर चुकल बाड़ी और ये उनका के काफ़ी ज़्यादा पसंदों करेला लोग दर्शक लोग वो तो साफ कहेली कि हमरा के भोजपुरी से ही अपन पहचान मिलल बा। भोजपुरी में हमरा के जितना पसंद कैल गई हमरा के उम्मीद ना रहे कि हमरा के इतना पसंद कैल गई। और साथे साथ यो बता दी कि शुभी शर्मा जी जे बाड़ी
वो काफी अच्छा अदाकारा बड़ी। और जब उनका से पूछल गया कि रहुआ तो राजस्थान से नहीं की, लेकिन रहुआ के भोजपुरी भोजपुरी बोले में कैसन शुरुआत जब कही नहीं रहुआ भोजपुरी बोले के, तो कैसे बोलनी रहुआ के आवत रहे भोजपुरी सीखे में कोनो प्रॉब्लम भइल, तो वो कहले कि हाँ भोजपुरी में हमरा हमने क्या कहल जाला कि आवस आओ सा बैठो सा खाओ सा, तो इतना इज्जत से बात करल जाला भोजपुरी में। आई बैठी तो काफ़ी ज़्यादा मैशअप रहे लैंग्वेज के, लेकिन हम धीरे धीरे बहुत ट्राई कई नहीं, बहुत ज़्यादा संघर्ष कई नहीं, तो हम लोग के भोजपुरी आ गई, कोनो भाषा के सीखे में कोनो दिक्कत नहीं खे। यही से हम भोजपुरी में फिर जब काम करे शुरू कई नहीं, तो हमरा के भोजपुरी आ गई, और बहुत अच्छा भोजपुरी बोल लेवे नहीं अब हम। और ये दर्शक लोग भोजपुरी के दर्शक लोग हमरा के बहुत प्यार दिए लोग, और वही जैसे हमरा के पहचान मिलल। जब उनका से पूछल गया कि भाई राजस्थानी राजस्थान में जो जब कोनो फिल्म शूट होकेला तो रहुआ के कैसन लागेला, और राजस्थान में भी मूवी बनेला लेकिन भोजपुरी जितना फेमस नहीं खे, लेकिन फिर भी रहुआ का सोचेनी कि भोजपुरी ज़्यादा अच्छा बा कि राजस्थान मूवी ज़्यादा अच्छा बा, तो वो कहली कि दोनों मूवी अच्छा लागेला, राजस्थान हमार राजस्थानी हमार भाषा है, राजस्थान हमार बर्थ प्लेस है, तो हमरा के वही जाके मूवी कोली भी ज़्यादा अच्छा लागेला, लेकिन भोजपुरी से हमरा के पहचान मिलल बा, यही से भोजपुरियों के हम बहुत पसंद करेनी। तो हम इहो नहीं कि कह सकत कि भोजपुरी अच्छा बा कि राजस्थानी अच्छा बा, दोनों हमरा खातिर बहुत अच्छा भाषा बा, और दोनों में हम काम करल चाहे नहीं। और साथे साथ बॉलीवुड में भी हम अपन करियर के शुरुआत तक कैले बानी, लेकिन हम चाहे नहीं कि एज अ लीड एक्ट्रेस हमरा के कहीं पर मिले। तो चलिए सुभी शर्मा जी रुआ के जरूर मिली और देखिए हम हमारी खास रिपोर्ट रुआ सबे। चलिए रुआ सबे ये तो देख देखिए लेनी कि सुभी शर्मा जी काका कहली, और ये हमारे हॉट के अंजना सिंह जी के बारे में रुआ सबे जननी। तो चलिए यही के साथ हमरा के दही इजाजत, और हम अगला बार फिर आए रुआ सबे के सामने अपन प्रोग्राम ये प्रोग्राम लेके जरा हट के एक में फिर कोनो नया शख्सियत के लेके आए, और साथ ही साथ हमार चैनल के रुआ सबे सब्सक्राइब करब शेयर करब और लाइक जरूर करब। अरे अगर रुआ सबे के अच्छा लागल कैसन लागल अपना कमेंट में जरूर बताए। तब तक खातिर हमरा के दही इजाजत, नमस्कार। भोजपुरी के इतिहास में एक काम करती हूँ शमिम, एक मील का पत्थर बने और ऐसा बिजनेस करके दिखाए जो आज तक। किस तरह किरदार है और कितना मनोरंजक है फिल्म में काम करना? मिस्टर कुमार मोहन, देयर इज मिस्टर कुमार मोहन जी, प्लीज स्टेज पर आए। पहले सबको स्टेज पे आ जाने दो, गौर भाई। और मेरी तो वॉइस पहले से भी इतनी मधुर है कि वैसे ही नहीं आ पाएगी, मैं बहुत लाउड बोल भी नहीं पाऊंगी। मैं तो ब्रेक ब्रेक में हम लोग लेते हैं, जैसे ब्रेक हुआ अभी। हाँ पूछिए बताइए। मुकद्दर में जहाँ पे बात है काम करना मुझे कैसा लगा? मुझे मुकद्दर पिक्चर में काम करना बहुत वो लगा। देखिए एक चीज़ तो है इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे जी ने स्टार का रोल इसमें प्ले किया, और वो रियल लाइफ में भी स्टार हैं और बहुत कंफर्टेबल इंसान हैं। और जहाँ तक बात है सारे जी की स्वीटनेस की, तो उन्होंने पूरा माहौल इतना चार्जिंग बनाया हुआ था सेट पे कि हम लोगों सबको काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये बताइए काजल अगवान जी कैसा क्वेश्चन था आपके साथ काम करने का? काजल बहुत स्वीट है, और हम जैसे मैंने बताया पहले भी कि हमने दो एक्ट्रेस की तरह काम नहीं किया पिक्चर में, दो बहनों की तरह काम किया है। मतलब इवन हम लोग का केमिस्ट्री था कि मॉर्निंग में उठना दोनों, काजल बोलती थी जिम करे शुभी, मैंने कहा हाँ चलो चलो काजल जिम करते हैं, जिम साथ में करना, खाना मतलब खाना भी साथ में खाना, वैनिटी के अंदर भी इवन हम लोग क्या कर रही हो तुम, वो वहाँ से तुम क्या कर रही हो, तो काजल जी के साथ में बहुत मज़ा आया काम करके।
नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी आ लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।